और इस वक्त रामलला की जो मूर्ति चयन जिसका हुआ है उसके मूर्तिकार अरुण योगीराज की पत्नी विजेता हमारे साथ जुड़ रही हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। विजेता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी बड़ी बात है क्योंकि कल जब ये खबर टीवी 9 भारतवर्ष ने ब्रेक की कि अरुण योगीराज जो मूर्तिकार हैं उन्हीं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तभी से लगातार पूरे देश में अरुण का नाम जो है वो सुर्खियों में है क्योंकि इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी दर्ज होगा। हाँ, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। इतना काम, इससे बड़ा बढ़िया काम और क्या हो सकता है कि हमें ऐसे पुण्य का काम करने के लिए मिला है। विजेता जी, जब पहली बार ये जिम्मेदारी मिली थी तब का अनुभव कुछ बताना चाहेंगी कि जब कहा गया था कि आप रामलला की मूर्ति बनाएं? जनवरी में जब भी हमको शॉर्टलिस्ट किया था तो बहुत ही खुशी हुई थी। जारी है, सारे सारे विश्व के लोग देखेंगे, अयोध्या तो एक सेंटिमेंट है सबको। ऐसे जगह का मूर्ति बनाना है सौभाग्य का काम है और हमको मिला है। हमको कुछ प्रेशर भी था क्योंकि पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी दुनिया देख रही थी, बहुत सारी उम्मीदें थी कि एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति का निर्माण होगा, तो वो क्या प्रेशर था? वो तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी था बिकॉज पूरा विश्व देख रहा है कि अयोध्या एक जगह है जो हर एक जुड़ा हुआ है और ऐसे जगह का मूर्ति बनाना और रामलला को क्रिएट करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। जी, आपकी तो पूरी फैमिली लेगेसी है, अरुण योगीराज की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन के वो स्कल्प्टर हैं। कितना बड़ा गर्व करने वाला ये मौका था आप लोगों के लिए और कैसे आपको इसकी जानकारी मिली कि हाँ आप फाइनली उनकी मूर्ति को ही सिलेक्ट किया गया? ये 5 जनरेशन का स्कल्प्टर फैमिली है। हम लोग साथ भी रह चुके हैं और उनके ग्रैंडफादर नेशनल अवार्डी है और पापा भी बहुत ही अवार्ड जीते हुए, जगन्नाथाचार्य अवार्ड सभी जीते हुए और ऐसे कीर्ति बढ़ाने का विषय तो है कि अयोध्या का रामलला मिला है। तो हमको मीडिया से जब पता चला इतना कि हमारा मूर्ति सेलेक्ट हुआ, बहुत खुशी हुई है। जी विजेता जी, लेकिन ये जो फीलिंग है ये अपने आप में अद्भुत है कि अरुण योगीराज ने जिस मूर्ति का निर्माण किया उसी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके लिए इतना भव्य कार्यक्रम हो रहा है और पूरी दुनिया के राम भक्त अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति का ही दर्शन करने अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे, ये जो फीलिंग है इसे आप कैसे बयां कर सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए? क्या मन में चल रहा है आप सबके? हमारा नाम तो इतिहास में अमर हो गया है। मैं हमारा जीवन काम मिलेगा तो भी मैं इससे बढ़िया काम ही नहीं है, उतना बड़ा काम मिला हमको। अच्छा, क्या परिवार में चर्चा होती थी इस दौरान कि कैसी मूर्ति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? आपसे अरुण योगीराज क्या बात करते थे जब सोचा होगा कि किस तरह की मूर्ति होगी, जैसा विवरण मिला होगा उसके आधार पर बनाने के लिए? बालक का मूर्ति बनाना है जो स्माइलिंग फेस है और मुख में भी वो भगवान जैसे दिखना चाहिए। वो भगवान लाना ही एक कला है और कला से अच्छा ज्यादा भगवान दिखना चाहिए उनमें। तो वो बोल रहे थे जब तक मुझे भगवान नहीं दिखेगा जब तक मैं काम करूंगा करके बोल रहे। जी, अरुण योगीराज ने इससे पहले भी एक से बढ़कर एक शानदार मूर्तियां बनाई हैं। जब इस काम में उन्होंने शुरुआत की, इस काम में लगे, रामलला की मूर्ति बनाना उन्होंने शुरू किया, तो किस तरह के चैलेंजेस थे, किस तरह की चुनौतियां थी, कभी उन्होंने जिक्र किया कुछ? भी बनाई नहीं गई थी 5 ईयर ओल्ड बालक का,
तो ये क्रिएट करना था जहाँ हमको पहले का फोटोज या फिर मूर्ति का रेफरेंस भी नहीं मिल रहा था तो क्योंकि बनाई नहीं गई थी। 5 वर्ष का बालक का रामलला एक क्रिएशन है जो अभी भगवान बना के इंडिया को अर्पण कर को अभी जब ये सब दुनियावासी देखेंगे तो हमको उनका भावना को उनको खुशी होना चाहिए, खुश होना चाहिए और उनको भगवान दिखना चाहिए उसमें। बिल्कुल, रामलला की प्रतिभा तैयार करने का जो सौभाग्य योगीराज को मिला, विजेता आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था वो MBA की पढ़ाई कर रहे थे और घर में भी इस बात को लेकर काफी चर्चाएं चलती थी कि उनको स्कल्प्टर बनना चाहिए भी या नहीं, तो वो हाँ और ना में उन्होंने हाँ कहा और आज यही हुआ है कि उन्हीं का जो फैसला था उसकी वजह से आज रामलला की मूर्ति का निर्माण उन्होंने किया। हम ये तो उनके उनके नसीब में ही था कि ये इस मूर्ति का काम करने को उनको मिल रहा है। हर एक को नहीं मिलता, ये कुछ ब्लेस्ड पीपल को ही मिलता है कि वो मूर्ति का काम करे और इतना सुंदर तरीके से करने का। विजेता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, TV9 से बातचीत करने के लिए। थैंक। और अरुण योगीराज की मां ने कहा कि पूरी दुनिया मेरे बेटे की बनाई भगवान राम की प्रतिमा के दर्शन करेगी, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई और बात नहीं हो सकती। ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬೇಡ ಕಣ್ಣ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲ ಗದ್ದೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಗದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣಮ್ಮ, ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನೇನಿಸ್ತದೆ?